चले। कहाँ चले? वो आपने कहा था ना कि आपके ऑफिस की पार्टी है शाम को। मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला हूँ, समझी? पर क्यों? क्यों? तुमने देखा है खुद को आईने में? गांव की एक गवार लड़की हो तुम, और मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे उधर, और तुम्हें तो इंग्लिश में भी बात करनी नहीं आती है। पर मैं घर पर अकेले क्या करूंगी? वो सब मेरी सिरदर्दी है क्या? हाँ देखो तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें इस पार्टी में तो क्या, आने वाली किसी भी पार्टी में नहीं लेके जाऊंगा मैं। बाहर पढ़ने गया था मैं, इतने बड़े बड़े सपने थे मेरे, मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करा दी, गांव की गवार। ना तुम्हें बोलने की तमीज है, ना कपड़े पहनने की, और पार्टी में जाने के लिए भी क्या पहन कर आई हो तुम, ये साड़ी। तुम बाहर क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर आने से। पर वो आपकी मैडम। और कुछ नहीं, चुपचाप किचन में चली जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ ना बाहर मत आना। पर मैं इतनी देर किचन में क्या कर? तुम अंदर जाओ और बाहर मत आना। बैठी प्लीज। ब्यूटीफुल होम। थैंक यू मैम। बैठी ना। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मैम वो अपने घर गई है, कुछ काम था। अच्छा, अरे हाँ, इस बार ऑफिस में सब यही कह रहे हैं कि प्रमोशन तुमको ही मिलना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स और सीनियर्स सभी की राय यही है। सो बी प्रिपेयर फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा एक मिनट मैम, मैं अभी आता हूँ। कोई ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है यार? हेलो, B42 साकेत, ऑर्डर डिलीवर करना है, क्या आप कर देंगे? सर उस एरिया की डिलीवरी तो अभी कोई भी नहीं ले रहा, वहाँ रास्ते में एक पेड़ गिर गया। नो, रास्ता जाम है, बट मैं आपको डबल पे कर दूंगा, प्लीज आप थोड़ा घूम के आ जाइए, आई रियली नीड इट। सर सॉरी सर, आज तो नहीं हो पाएगा। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैम, वो लीजिए मैम साहब। ये कौन है? वो मैं इनकी मेड हूँ, लीजिए ना। हाँ लेती हूँ। तुम जाओ। Food. Thank you so much. It was my pleasure, ma'am. Thank you for coming. It's okay. आइए ma'am, छोड़ो। बाहर आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने मुझे अंदर रहने के लिए कहा था और मैं बाहर आ गई, पर मुझे पता था कि बाहर पेड़ गिरा हुआ है, कोई खाना देने आएगा नहीं, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, वरना आपकी बेइज्जती हो जाती। नहीं नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, तुमने एकदम ठीक किया। अगर तुम चाहती तो मेरी मैम के सामने मेरी बेइज्जती होने दे सकती थी,
और शायद ये प्रमोशन भी मेरे हाथ से चला जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया और तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली सॉरी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी बेइज्जती कैसे होने देती। हम दोनों के बीच में जैसा भी रिश्ता है, पर मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक बेटर हस्बैंड बन सकूँ एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड पे तुम्हें जज किया, जबकि मुझे ये देखना चाहिए था कि तुम इस पर्सन कैसी हो। और सच बताऊँ तो अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे और बेटर लड़की कोई मिल ही नहीं सकती।